गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हमारा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का फर्स्ट लेक्चर है कि जहां पे हमारी प्रो बैच की स्टार्ट हम लोग बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से करने वाले हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो इसके पहले मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया था कि ऑलवेज आई स्टार्ट विद द एडवांस लेवल कि अज्यूम टू बी कि सबको बेसिक पता है, बट मार्केट में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको बेसिक नहीं पता होता और बेसिक से ही आपको स्टार्ट करना होता है। तो आज हम लोग बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट देखेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट होता क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या है, कैंडल क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, ये सब बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई नो मेजोरिटी आर फ्रॉम द प्रीवियस प्रो बैच स्टूडेंट ऑल्सो कि जिनको ऑलरेडी सब पता रहेगा, दे माइट बी बोर, बट ठीक है, फिर से बेसिक रिवाइज होना इज ऑल्सो गुड थिंग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। बहुत जन जो मिडिल क्लास जो क्राउड होता है, स्पेशली मराठी मिडिल क्लास, जो मेरे फैमिली के साथ भी हुआ था कि दे ऑलवेज थिंक कि भाई स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसमें सिर्फ ऑलवेज पैसा गवाया जाता है एंड इसमें प्रॉफिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड इट्स वन टाइप ऑफ गैम्बलिंग कि ये सट्टेबाजी से दूर रहना है, ये सिर्फ गुजराती लोगों का काम है या मारवाड़ी लोगों का काम है, हम जैसे स्मॉल वर्कर यहाँ पे नहीं आ सकते, ऐसे कुछ है नहीं, ये सब प्रीवियस कहावतें हैं। बट आप अगर नॉलेज ओरिएंटेड अगर यहाँ पे आते हो, नॉलेज लेके अगर स्टॉक मार्केट में आते हो, तो सक्सेस का ग्राफ इजीली अचीव हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि जिन्होंने बहुत पहले स्ट्रगल भी किया है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में लास्ट 15 इयर्स में, एंड देन आई रियलाइज कि क्या क्या नहीं करना होता है मार्केट में, ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है। तो ये जर्नी में जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में है, जनरली 2 to 3 लेक्चर्स हम लोग इसमें लेंगे कि जिसमें साइकोलॉजी क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और क्या करना चाहिए वो एक्चुअल कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे विद सेटअप के साथ। तो यहाँ पे जनरली स्टॉक मार्केट में 5 types के ट्रेडर्स होते हैं, 5 types से इंटेंशन से लोग आते हैं। एक लोग ऐसे आते हैं कि जो सोचते हैं कि मुझे आज इन्वेस्ट करना है बट मुझे पैसे मेरे रिटायरमेंट के टाइम के लिए चाहिए, 30-40 years के लिए, ऐसे कुछ। तो ऐसे लोग जनरली ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया रहेगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपका जो पैसा लिया हुआ है वो डाइवर्सिफाई करके ऑल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं कि लेटर से आपको मारुति का एक स्टॉक लेना है, मारुति का एक स्टॉक का रेट लेटर से 6 to 7,000 चल रहा है, किस जमाने में वो 10,000 भी था। अगर आपको मंथली SIP अगर करना है, आपने सोचा कि मुझे 3,000 ही इन्वेस्ट करना है, तो आप मारुति का शेयर कभी भी नहीं ले पाएंगे। इनफैक्ट रिलायंस लेना तो आप एक ही शेयर ले पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपने SIP अगर जो भी कुछ लिए 3,000, तो उनका एक बास्केट फंड होता है, वो बास्केट फंड में आपका 3,000 जाता है और वो लोग यूनिट बाय कर लेते हैं और आपको यूनिट अलाउड अलोकेट किया जाता है, मतलब वो ही आपका ही पैसा वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, आपने जो सेगमेंट लिया रहेगा, लार्ज कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, फार्मा सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, सेक्टर वाइज भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और म्यूचुअल फंड वही पैसा इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न देता है, 15% रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज, अगर आप देखोगे वो भी 10, 20, 30, 40 क्यूमुलिटी रहता है, तो 15% क्यूमुलिटी ऑन द ईयरली बेसिस ऑल्सो वो काफी अच्छा फंड हो जाता है, क्योंकि वहां पे इमोशंस नहीं आते इन बिटवीन। तो दैट इज अ वन थिंग जो हमारा होता है एकदम एक्स्ट्रा लार्ज रिटायरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के लिए, बट हम लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आने वाले सीरीज में बात करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कहाँ पे डालना है, क्या कॉर्पस होना चाहिए, क्योंकि आपका फंड ऑलवेज डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। सेकंड जो होता है, दैट इज सेकंड जो टाइप के ट्रेडर होते हैं कि भाई हाँ मुझे लॉन्ग टर्म ही करना है, लाइक 10 to 20 years के लिए, बट एक्चुअल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ऐसे टाइप के भी ट्रेडर होते हैं। थर्ड जो होते हैं, मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं बट लॉन्ग टर्म से काफी कम, जो 3 to 5 years के लिए मुझे इन्वेस्ट करने पड़े। नेक्स्ट होता है मतलब एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म, मतलब विद इन अ 1 year तक मुझे बुक करना है प्रॉफिट, लाइक दैट।
या कई के जन का टारगेट था कि 10 to 15% ईयरली अगर मुझे मिला तो भी मैं बुक कर लूंगा, लाइक दैट टाइप ऑफ टारगेट। बट अभी के नाउ डेज मार्केट में दो टाइप के एग्रेसिव ट्रेडर दिखाए जाते हैं, दैट इज वन होता है दैट इज पोजिशनल ट्रेडर। व्हाट इज द मीन बाय पोजिशनल, मतलब पता कहने कुछ आज पोजिशनल ले ली, उसको होल्ड किया है फॉर 1 वीक टू 2 वीक या 3 डेज 4 डेज 1 मंथ, दैट इज कॉल्ड एज पोजिशनल ट्रेडर। एंड लास्ट होता है दैट इज इंट्राडे ट्रेडर, मीन्स वॉट, आज का माल मैंने आज ही बेचा और जो भी कुछ प्रॉफिट है लॉस है वो बुक कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडर। आपको मैं बताऊं कि आजकल स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में 30 to 40 लाख करोड़ का बिजनेस होता है डेली का, 30 to 40 लाख करोड़ का। वही अगर आपने मेरा फॉरेक्स का वीडियो देखा रहेगा तो मैंने फॉरेक्स में बताया था, फॉरेक्स में डेली $5 trillion का ट्रेडिंग होता है, डेली या $5 trillion, कैन यू इमेजिन। सो दैट मच पोटेंशियल स्टॉक मार्केट में है, बट अगर राइट डायरेक्शन में, राइट वे में, राइट नॉलेज लेके अगर आप आ रहे हो तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए, अदरवाइज नहीं। एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आपने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया कि भाई चलो आज से मुझे कुछ सीखना है, एंड मैं खुद बहुत हैप्पी हूँ ये प्रो बैच सिखाने के लिए कि आफ्टर 12 इयर्स के गैप के बाद मेरी वाइफ स्टॉक मार्केट सीखने के लिए ये कोर्स में आ गई है। तो ये प्रो बैच मेरे वाइफ के लिए डेडिकेटेड किया है मैंने, तो अच्छे से सिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट ऑल स्टूडेंट्स करूंगा और मेरे वाइफ को भी करूंगा कि आफ्टर 12 इयर्स उसने डिसीजन किया कि चलो अभी मुझे सीखना है। तो ये सीखना फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए मैंने बेसिक और स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया इस बार, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, पहले आते हैं कि आपने कुछ ये सुना रहेगा निफ्टी 50 के बारे में कुछ सुना रहेगा, सेंसेक्स के बारे में कुछ सुना रहेगा, बैंक निफ्टी के बारे में कुछ सुना रहेगा, या रिलायंस के बारे में कुछ सुना रहेगा, आपने ब्रिटानिया के बारे में सुना रहेगा, ITC के बारे में, टाटा मोटर, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स। एग्जैक्टली स्टॉक्स होता क्या है, जैसे आपने अभी पेटीएम सुना रहेगा, LIC सुना रहेगा, आपने जो कंपनी का नाम सुना है ना वो कंपनी को एक्सपांड करने के लिए पब्लिक से पैसा लेके कुछ तो एक्सपेंशन करना होता है, जैसे रिलायंस की या अदानी ग्रुप है कि भाई पब्लिक से पैसा लेती है IPO के थ्रू एंड मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस थ्रू, तो वो पार्टनर बना लेती है हम लोग को, ठीक है, इन जो स्टॉक्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्टिंग होता है प्लेटफॉर्म पे, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ऑलवेज एज अ सेफ ट्रेडर मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ कि ऑलवेज प्रीफर स्टॉक्स फ्रॉम द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कि वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं, ए ग्रेड कंपनियां होती है। ऐसे नहीं बोल रहा कि BSE के स्टॉक ऑथेंटिक नहीं होते, बट वहां पे जेड कैटेगरी के स्टॉक्स भी होते हैं, मतलब 0.10 पैसा, 1 रुपीज वाले स्टॉक्स। वैसे NSE में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, NSE में आने के लिए कुछ एक मार्जिन का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, वो सेबी डिसाइड करती है। बाय द वे सेबी इज अ रेगुलेटर, कि स्टॉक एक्सचेंज पे रेगुलेटर जो होता है वो सेबी थ्रू होता है, कि कुछ इलीगल एक्शन तो नहीं हो रही है, कुछ इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, जो भी कुछ रेगुलेशन लाना है, जैसे ऑल बैंक्स का रेगुलेशन RBI के पास होता है, वैसे ऑल स्टॉक्स का, स्टॉक एक्सचेंज का जो भी कुछ रेगुलेशन है इंडिया में, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो होता है सेबी के पास, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं कि स्टॉक्स तो लिस्टेड हो गया, तो फिर स्टॉक्स की कैटेगरी की जाती है। तो स्टॉक्स की कैटेगरी में, मतलब जैसे आपने बताया कि रिलायंस है, टाटा मोटर है, जो हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, या आयशर मोटर है, बाइक चलाते हैं हम लोग आयशर की, ठीक है। तो ये जो भी कुछ है स्टॉक्स, जब भी वहां पे एक्चुअल वे में परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे स्टॉक्स का प्लस माइनस भी होता है एक्चुअल क्वार्टरली उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल। बट हम लोग जो हमारे कोर्स में देखते हैं प्रो बैच में, वो फुल्ली टेक्निकल देखते हैं। स्टॉक मार्केट इज बेसिकली अंडर टू पैरामीटर्स, फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल एंड सेकंड इज अ टेक्निकल। बट नाउअडेज रादर देन फंडामेंटल, टेक्निकल बहुत चलता है। पहले ऐसे होता था कि भाई फंडामेंटल, जैसे मैं फंडामेंटल की बात करूं तो ITC नाम का स्टॉक्स तो पता रहेगा, ITC के सिगरेट भी आते हैं, नोटबुक आते हैं, बिस्किट्स आते हैं ITC कंपनी के, वो स्टॉक्स लास्ट 11 या 13 ईयर से 200 टू 270 के रेंज में ही पड़ा है। फंडामेंटल तो कितने अच्छे, उससे कहीं घटिया स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल कुछ नहीं है, जो 5 रुपए के 5000 रुपए भी हो चुके हैं, ऐसे स्टॉक्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो मार्केट में आजकल फंडामेंटल नहीं, रादर देन फंडामेंटल टेक्निकल एंड ऑपरेटर बेस्ड जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर भी मार्केट चलता है। तो बेसिकली हम लोग पहले देखेंगे निफ्टी,
निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50 एक होता है। निफ्टी 50 मतलब जितने भी स्टॉक्स मार्केट में कंपनी लिस्टेड, जैसे 5000 अगर कंपनी है, उसमें से टॉप 50 कंपनीज का बंच किया जाता है। ऑल सेक्टर्स में से जो बेस्ट परफॉर्म होते हैं उनका ये करते हैं, उनको साथ में लाते हैं और उनका जो इंडेक्स होता है दैट इज निफ्टी 50। तो वो हर एक कंपनी क्या करती है, उसमें रिलायंस आता है, इंफोसिस आता है, आईटीसी आता है, टाटा मोटर आता है, एसबीआई आता है, आईसीआईसीआई बैंक आता है, एचडीएफसी बैंक आता है, एचडीएफसी, ये जो टॉप 50 कंपनी जो आपने सुनी है बार बार, एक्सिस बैंक है, तो उनका बंच करके जो इंडेक्स बना है दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी 50। तो दिस इज निफ्टी 50 का चार्ट बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड चार्ट एनालिसिस। ये प्लेटफॉर्म कौन सा है क्या वो मैं सब बताऊंगा। दिस इज ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको यूज कैसे करना होता है, इसका एक्चुअली एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डालूंगा, या जो भी कुछ ट्रेडर्स है उनको मैं टेलीग्राम में और आपको पर्सनली पोस्ट करूंगी, हाउ टू यूज द ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करते हैं वो पूरा A to Z मैं आपको बताऊंगा। लेट अस से दिस इज निफ्टी 50, यहाँ पे जो भी कुछ है दैट इज कॉल्ड एज टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम है चार्ट्स का, कि हर एक चार्ट मैंने जैसे बताया कि चार्ट्स का 1 सेकेंड से लेके 1 मंथ तक का सारा चार्ट, 1 ईयर का भी चार्ट होता है, बट जरूरत नहीं है, जनरली हम लोग मंथली चार्ट्स तक देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने, दिस इज कॉल्ड एज टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे जाके अगर मैंने 1 मंथ किया, सो दिस इज मंथली, मंथली ऑफ मंथली चार्ट किसका, निफ्टी 50 का। तो ये मंथली चार्ट है, तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो भी कुछ है स्टार्ट कभी हुआ है, यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा स्टार्ट डेट जो भी कुछ था दैट इज 1990 में था, ठीक है, सितंबर 1990 के, यहाँ से इसका चार्ट एनालिसिस है, 90s के टाइम से चालू हुआ स्टॉक मार्केट 1991 के, यहाँ से तभी सेंसेक्स था 400 और निफ्टी, और ये अभी आ चुका है 18,000 तक। मतलब ये ग्रोथ देखोगे 30 इयर्स में, ये 30 इयर्स का टाइम स्पैन है ना, कितने टाइम, मल्टीपल टाइम, कितने भी इवेंट आए, कितने बॉम्ब स्फोट हुए, कितने घपले हो गए, हर्षद मेहता का घपला हो गया बीच में, 2008 में बहुत बड़ा क्रैश आया था, ये क्रैश है वो, ठीक है, ये कोरोना के टाइम का क्रैश है, बट जब भी मार्केट गिरा है उतने ही इंटेंसिटी से बढ़ा हुआ। तो लॉन्ग टर्म जो भी कुछ होता है वो ऑलवेज बेटर होता है। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म चार्ट निफ्टी 50 का। तो ग्राफ अगर आप इंडिया स्टोरी अगर देखोगे इंडिया का, तो इंडिया का स्टोरी ऑलवेज इन द ग्रोथ फॉर्मेट ही है, और आप ग्रोथ देखोगे तो एक्चुअल ग्रोथ जो भी कुछ है 2004 से एक्चुअल ग्रोथ देखने मिला है, 2004 से 2008, 2008 में क्रैश, 2009 से जो ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, जो सेंसेक्स जो निफ्टी मेरा 3000 पे था वो 18,000 पे आ गया, ऑलमोस्ट 6 टाइम, मतलब किसी ने अगर पैसा यहाँ पे डाला होगा तो ऑलमोस्ट वो 6 टाइम्स आपको रिटर्न मिल जाएंगे, बट पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर डालते तो बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तो अभी ये हो गया चार्ट, बट एक बेसिकली चार्ट्स में होता क्या है, मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस बताता हूँ, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक सबको पता होता है, ठीक है, पहले ये चार्ट्स होता क्या वो पहले मैं बताता हूँ। चार्ट्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल फॉर्मेशंस, कैंडल फॉर्मेशंस का उसको प्लॉट करने के बाद जो बनता है वो चार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन मतलब टू टाइप्स के कैंडल्स दिख रहे हैं सबको, एक कैंडल दिख रहा है ग्रीन, दिस इज ग्रीन कलर का कैंडल है, और एक कैंडल दिख रहा है रेड। तो ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्या होता है, ये तो मेरे छोटे बच्चे को भी पता है जो 3 इयर्स का है, अद्वैत, उसको भी पता है। ग्रीन कैंडल मतलब उसको बुलिश बोलता है, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश, बुलिश मींस व्हाट, कि मार्केट उस दिन बढ़ा है, मतलब रिलायंस का शेयर उस दिन बढ़ा है, इसके लिए वो ग्रीन कैंडल। कैंडल का कलर कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई जन ब्लू भी रखते हैं, ठीक है, पहले तो व्हाइट एंड ब्लैक होता था जब भी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, अभी तो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए इसके लिए, तो ये ग्रीन है, और रेड मतलब मार्केट गिरा है, मार्केट गिरा है मतलब रिलायंस का पर्टिकुलर स्टॉक, ये डी मतलब डेली टाइम फ्रेम। तो ये कैंडल फॉर्मेशंस कैसे होता है वो बेसिक से पहले हम लोग जाते हैं। अगर हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ ग्रीन कैंडल के पास अगर देखें, ये ग्रीन कैंडल के पास, ये ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस कभी होती है, ये ग्रीन कैंडल वो पहले हम लोग देखते हैं। ये ग्रीन कैंडल होता क्या है, ये ग्रीन कैंडल के पास अगर मैं देखूं तो हर एक कैंडल के पास 4 फॉर्मेशंस होते हैं। अगर यहाँ पे मैं अगर कर्सर रखूं
तो अपर साइड में आपको चार पैरामीटर दिख रहे हैं यहाँ पे, ओ एच एल सी दिख रहा है, ओ एच एल सी। ये हर एक का ओ एच एल सी मतलब क्या, मैं बता दूं, ओ मतलब होता है ओपनिंग प्राइस, मतलब उस दिन मार्केट कभी ओपन हुआ वो पर्टिकुलर स्टॉक वो बताता। बाय द वे अपना ओपनिंग टाइम सबको पता रहेगा, 9 o'clock को मार्केट ओपन होता है और 3:30 को क्लोज हो जाता है। उसमें से फर्स्ट 9 to 9:15 दिस इज प्री ओपन मार्केट, 9 to 9:07 कुछ एक्टिविटीज होती है वहाँ पे प्री ओपन मार्केट में, बाय एंड सेलिंग भी होता है, वो 9 to 9:07 होता है। एक्चुअल अगर हम लोग टाइम देखें तो 9:15 to 10:30 होता है, दैट इज एक्चुअल एनएससी का मार्केट। और एक मार्केट भी होता है दैट इज कमोडिटीज मार्केट, आप देखते हो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे जो कमोडिटीज है वो उनका टाइमिंग मॉर्निंग 9 o'clock को स्टार्ट होता है और रात को 11:30 तक होता है। कहाँ पे? एमसीएक्स में, दैट इज कमोडिटीज ट्रेडिंग। और एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होता है, वो 24/7 चालू रहता है, कभी भी आप उठो ऑर्डर डालो खेलते रहो, दैट इज 24/7। तो आपको कमाने के मौके 24/7 है, क्योंकि हम लोग ये कमिंग प्रो बैच में फॉरेक्स मार्केट भी कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस प्रो बैच में हम लोग नहीं करते थे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहाँ पे देखना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, वो भी हम लोग ये कमिंग प्रो बैच में देखने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉरेक्स, तो आपको कमाने के लिए 24/7 है। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे तो जॉब रहता है फिर टाइम नहीं है, अरे जॉब के आने का खेलो ना, 24/7 मार्केट है, ठीक है। कभी ऐसे हुआ कि भाई बहुत झगड़े हो गए घर पे, अभी कुछ काम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आके चार्ट के पास बैठो, पैसे कमाओ, खत्म, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि हर एक झगड़ा पैसों से स्टार्ट होता है, तो अगर आपके पास नॉलेज हो तो अभी आपको पैसा कमाने के लिए 24/7 मार्केट ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कुछ है, यहाँ पे मैंने बोला ये फोर पैरामीटर्स है, दीज आर द फोर पैरामीटर्स। ओ मतलब ओपनिंग प्राइस होता है, एच मतलब हाई होता है, उस दिन मार्केट ने मतलब पर्टिकुलर स्टॉक्स ने कितना हाई मारा, दैट इज एच। एल मतलब उस दिन मार्केट ने कितना लो मारा, एंड सी मतलब मार्केट क्लोज कितने बजे हुआ उसका रेट, 3:30 को, वो एवरेज रेट होता है, 3 to 3:30 का एवरेज रेट कैलकुलेट करके 3:30 को क्लोजिंग प्राइस बता देते। तो ये ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो अगर ये पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर मैं कर्सर रखूँ तो आपको पता चलेगा उसका ओपनिंग प्राइस कितना है, उसका क्लोजिंग प्राइस कितना है और कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर है तो ये इसका ओपनिंग प्राइस जो है वो 2512 है, इसका हाई जो है दैट इज 2644 है, इसका लो जो है ये लो दैट इज 2502, और इसका जो क्लोजिंग मतलब ये ऊपर जो क्लोज हुआ है उसका प्राइस है 2624। तो आपने देखा इस दिन रिलायंस 20th of May को 2512 पे ओपन हुआ, उसका लो गया था 2502। ये प्राइस पर सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आप 1 second का भी चार्ट लगा सकते हो। इसका हाई गया 2644, मतलब इस दिन अगर रिलायंस का शेयर अगर किसी ने एक स्टॉक बाय किया होता 2512 पे, तो उसका हाई 2644, मतलब ऑलमोस्ट 100+, मतलब एक शेयर के ऊपर आपको 100 रुपीज मिल जाता। अगर आपने 100 शेयर लिए होते तो आपको 1000, मतलब बहुत बढ़िया 10,000 का प्रॉफिट इजीली हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एंड उसने क्लोज दिया 2624 पे, मतलब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस हायर है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हायर है, ठीक है, ग्रेटर देन है। इसके लिए इसको यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस होता है। जब भी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से डाउन होता है एट दैट टाइम रेड कैंडल होता है, दैट्स इट, मतलब उस दिन मार्केट डाउन गया था। फॉर एग्जांपल अगर ये रेड कैंडल अगर मैं देखूं, जस्ट आप इमेजिन करो कि ये रेड कैंडल क्यों बना रहेगा, लेट अस से ये लो या ये लो आपके वर्ड, ये रेड कैंडल क्यों बना रहेगा, क्योंकि ये रेड कैंडल में, ये रेड कैंडल बनता कब, ये लेट अस से ये ओपन हुआ है, हाई यहाँ पे था, लो इतना लो मारा और क्लोज यहाँ पे बना, मतलब क्लोज जो भी कुछ था वो डाउन था ना, मतलब यहाँ पे ओपनिंग प्राइस जो भी कुछ होगी, लेट अस से मैं 100 बोल रहा हूँ, इसका क्लोजिंग प्राइस 80 रुपीज हुआ, मतलब लो जो है वो डाउन है ना, इसके लिए ये रेड कैंडल बना। दो टाइप के ही कैंडल बनते हैं,
बेसिकली एक रेड या ग्रीन। वैसे तो कैंडल फॉर्मेशन में बहुत सारे ये सब हम लोग आएंगे। देखो यहाँ पे आपको ऐसे प्लस साइन वाला दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये हम लोग बोलते हैं कि बुल है, बुलिश, और ये है मतलब बेर है, मतलब बेरिश। ठीक है, रेड कैंडल मतलब बेरिश, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश, मतलब मार्केट तेजी में है और मार्केट यहाँ पे मंदी में है। और मैं आपको अगर बोलू तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि जहां पे आप मंदी में भी पैसा कमा सकते हो और तेजी में भी पैसा कमा सकते हो। बहुत जन को लगता है कि मार्केट बढ़ रहा है तभी हम लोग पैसा कमा, नहीं नहीं आप जब भी बढ़ रहे तभी भी पैसा कमा सकते हो, मार्केट गिर रहा है तभी भी पैसा कमा सकते हो, मार्केट साइडवेज है मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं है, ना बढ़ रहा है ना गिर रहा है, तभी भी आप पैसा कमा सकते हो। तो पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जस्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देखो मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि नॉलेज इज अ किंग इन द स्टॉक मार्केट, विदाउट नॉलेज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल सबको पता चला। तो ये क्या है, रिलायंस का डेली चार्ट है, डेली चार्ट्स में ये मूवमेंट है। आप इसका मंथली चार्ट देखते हैं एक बार तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस का मोमेंटम क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, रिलायंस का परफॉर्मेंस क्या था। अगर आप देखोगे तो 1995 में जब ये स्टॉक रिलीज हुआ था, मतलब इसका आईपीओ आया था और आईपीओ थ्रू जब ये लॉन्च हुआ था 30 रुपीज पे कुछ था, 30 रुपीज से ये 2800 तक गया। एंड ये बीच में तो 3-4 टाइम्स स्प्लिटअप हुआ है। स्प्लिटअप मतलब आपको एक का दो बोनस, दो का तीन बोनस मिला है, मतलब इसका एक्चुअल प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो 10,000 वगैरह रहेगा। तो 30 रुपए का 30 रुपीज का 10,000 हो चुका है। किसी ने 30 रुपए का एक स्टॉक भी अगर लिया रहेगा तो उसका प्राइस अभी 10,000 है। दैट इज सो मच मल्टीपल टाइम। अगर किसी ने 10,000 अगर इन्वेस्ट किया रहेगा तो सोचो कितना मिलेगा। ठीक है, दीज आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नॉट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। So, these are the monthly charts of Reliance. So, there are the chart pattern भी होते हैं। तो ये candle formation, ये monthly charts को बना के ये monthly charts बना। वैसे weekly charts भी बनता है, ठीक है? This is weekly charts भी बना हुआ है। ये आप देखोगे तो Reliance का weekly chart है। तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे चार्ट देखने के बाद वहां पे थ्री टाइप्स के ट्रेंड बनते हैं, ट्रेंड्स। एक होता है अप ट्रेंड, जिसका एक्चुअल डेफिनेशन बाय यूजिंग डाउ थ्योरी हम लोग एक्चुअल प्रो बैच में देखेंगे। एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज एक्शन। अप ट्रेंड मतलब क्या, स्टॉक्स ऐसे धीरे 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 ऊपर जाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड। ये पूरा अप ट्रेंड में बोलो। डाउन ट्रेंड मतलब स्टॉक धीरे 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 ऐसे नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड एज डाउन ट्रेंड। साइडवेज एक्शन मतलब स्टॉक्स ऐसे जिगजैग वे में कुछ नहीं करता, सिर्फ ऐसे ऐसे करता, दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज एक्शन। तो अगर अगर मैं चार्ट पे अगर आपके जाके क्वेश्चंस पूछूं कि स्टॉक्स अप ट्रेंड में है क्या, कौन से टाइम फ्रेम में, तो आप सिर्फ ये देखोगे फॉर्मेट ये टाइप में है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अप ट्रेंड में। बट इसका एक्चुअल डेफिनेशन बाय यूजिंग डाउ थ्योरी हम लोग हायर लोज हायर हाइज उस टाइप में देखेंगे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में। बट एक आंखों देखा हाल से हम लोग आइडेंटिफाई कर, डाउन ट्रेंड मतलब ऐसे कुछ और साइडवेज मतलब ऐसे कुछ। ठीक है, तो वो देखने के लिए अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपको, ठीक है, अभी स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है क्या है, मतलब यहां से अगर मैं बोलू आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके बोलोगे यहां से स्टॉक्स यहां तक अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज है, आप मुझे टाइप करके बताओगे स्पेशली फ्रेशर्स। ऑलमोस्ट ऑल नोज अप ट्रेंड, तो इसके लिए मुझे डाउ थ्योरी का डेफिनेशन पता होना जरूरी है, वो थ्योरी पार्ट अलग है। देखो यहाँ पे रादर देन थ्योरी आप कितना टेक्निकली सीखते हो, आंखों देखा आपके आंखों से जो देखोगे ना वो बहुत यूजफुल है चार्ट। मैंने बहुत जन ऐसे देखे, मेरे बहुत सारे गुजराती फ्रेंड्स के डैडी है कि जो कभी स्कूल भी नहीं गए बट दे आर मास्टर्स इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनका खानदानी बिजनेस है स्टॉक मार्केट का, बस आंखों देखा हाल कि स्टॉक्स क्या कर रहा उसके बिहेवियर से वो जानते थे। ठीक है, सो इट्स लाइक क्या बोलते हैं, इंट्यूशन आना चाहिए चार्ट देखे कि क्या है। तो ये अप ट्रेंड, चलो
राइट आंसर दिया सबने। अभी मैं और एक में जाता हूं। अभी मुझे कोई आंसर देगा यहां से लेके यहां तक, मतलब 2013 से लेके 2017 तक रिलायंस क्या कर रहा है, ये क्या है? गिव मी द आंसर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज द साइडवेज। खत्म, स्टॉक मार्केट इतना ही है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज एक्शन। अभी हम लोग एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल देखेंगे। तो आप मुझे, तो हर एक टाइम फ्रेम में वो बदलते रहता है, आप जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे वो टाइम फ्रेम से आपको पता चलेगा कि वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है। तो अभी आप मुझे यहाँ पे बताओगे, अभी एच लिखा है मतलब आवरली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो यहाँ तक, ये क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइड बेस है? वाओ, ग्रेट आंसर, ग्रेट, टू ग्रेट। हर एक को भी पता चला ये डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड के लिए एक्चुअल डाउ का डेफिनेशन पता होना जरूरी नहीं है भाई, ये तो मुझे आंखों देखा से भी पता चलेगा। तो अभी मैं अगर निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करता हूं, अभी मुझे देखना है कितने जन आंसर देते हैं मुझे। यहां से लेके यहां तक निफ्टी क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है? क्या बात है, क्या बात है, सॉलिड। देखो मेरे वाइफ ने भी आंसर राइट दिया, साइड साइडवेज है चित्रा ने, गुड, ये साइडवेज है। अभी मार्केट में बोले बहुत भूचाल आ रहा है, किधर भूचाल आ रहा है, दिस इज द साइडवेज एक्शन, ये वो साइडवेज एक्शन में भूचाल आ रहा है, ट्रू, बट ये पूरे अप ट्रेंड के बाद ये पूरा साइडवेज एक्शन चल रहा है काफी लास्ट 4 to 6 month में। 6 month मार्केट बहुत वोलाटाइल और साइडवेज है, तब से रशिया यूक्रेन का चल रहा है तब से। इट्स नॉट अ डाउन ट्रेंड, लोग बाहर बोल रहे हैं अरे मार्केट कितना गिर रहा है, क्या कर रहा है, अरे गिर नहीं रहा है, मार्केट साइडवेज एक्शन में है, साइडवेज में बहुत वोलाटाइल दे रहा है। इज दैट क्लियर? मार्केट इज नॉट द डाउन ट्रेंड, अभी डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ है मार्केट का, एक्चुअल मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा अगर ये लो जाता है तो, ये लो जाता है तो 14,000 के नीचे जाएगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है, और उसके पहले भी ये भी है 15,500, ये निकल जाता है तो मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आएगा, बट अभी तो ये साइडवेज एक्शन में है। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज। तो ये थ्री बेसिक फंडास आपको पता चल गए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज में। तो ये थ्री बेसिक फंडा में करना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब ये अप ट्रेंड में है मार्केट तो आप यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, मतलब यहाँ पे आपने बाय किया और यहाँ पे सेल कर दिया, दैट्स इट। तो आपने लेटेस्ट से 100 पे बाय किया और आपने यहाँ पे 150 पे बेचा, आर यू इन प्रॉफिट और लॉस? आपने लेटेस्ट से कोई एक स्टॉक था वो 100 पे लिया एंड 150 पे बेचा इन द अप ट्रेंड, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में था, 1 महीने में बेचा, 2 महीने में बेचा, दैट इज अप ट्रेंड में था, तो क्या हुआ, वो आपको प्रॉफिट हुआ, बराबर है। कोई एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, शॉर्ट किया मतलब सेल किया, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन का लैंग्वेज, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। कोई हमने स्टॉक शॉर्ट किया, लेटेस्ट से 100 पे ही बेचा और उसको जाके बाय किया 70 पे, अगर हम लोग कैश में कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज कैश, रिलायंस वगैरह कैश में बाय कर रहे हैं तो हम लोग इंट्राडे ही कर सकते हैं, अगर हम लोग फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हैं तो हम लोग मंथली भी रख सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बट मुझे ये समझाना है कि शॉर्ट में आपने 100 में बेचा और नीचे में खरीदा तो भी आप प्रॉफिट में ही हो, तो आप डाउन ट्रेंड में भी बैठे नहीं रहोगे, आप बेचोगे बाद में खरीदोगे, मतलब हायर प्राइस पे बेचा एंड लोअर में खरीदा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट ओनली।
आपको अप ट्रेंड में नीचे में बाय करना है, अप में सेल करना है, डाउन ट्रेंड में ऊपर में शॉर्ट करना है, नीचे में खरीदना है, इज दैट क्लियर? और आपको साइडवेज में बाजू में रहना है, कुछ नहीं करना है साइडवेज एक्शन में। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको निगलेट करना है जो साइडवेज एक्शन दे रहे। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपको क्या करना है, अप ट्रेंड में जनरली आप लोअर पे बाय करते हो, हायर पे सेल करते हो, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो और लोअर में बाय करते हो, तभी भी आपको प्रॉफिट मिल जाए। और जब भी मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे ना बाय करना होता है ना सेल करना होता है, वहां पे ऑप्शन सेलिंग के गेम होते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो अभी जो निफ्टी बिहेव कर रहा है ना, वहां पे जो ऑप्शन शॉर्टर्स कर रहे हैं दोनों बाजू में, पुट एंड कॉल बेच के जो बैठे हैं ना, वो काफी अच्छा कमा रहे, क्योंकि डेली यूज वोलेटिलिटी। अपर साइड 1000 पॉइंट्स का कॉल बेचो, लोअर साइड 1000 पॉइंट्स का पुट कॉल बेचो और बैठे रहो, दैट्स इट, दैट विल गिव द अच्छा गुड रिटर्न, ठीक है? तो ये कैटेगरी आपको समझ गए कि बाय कभी करना है, सेल कभी करना। अभी ये जो था मेरा कैंडलस्टिक चार्ट था, सेम एक लाइन चार्ट भी होता है, वहां पे आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके ये कैंडलस्टिक में बहुत सारे पैटर्न्स है, उसमें से ये पैटर्न काफी फेमस है, लाइन चार्ट। जनरली पैटर्न्स वगैरह देखने के लिए और मार्केट क्या कर रहा है वो देखने के लिए ये बिहेव यूज करता है। तो ये इससे भी क्लियर पता चलता है, जहां पे कैंडल में नहीं पता चलता वहां पे आपको पता चलता है। देखो मैं यहाँ पे क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, यहां से लेके यहां तक अप ट्रेंड था, एम आई राइट? ये अप ट्रेंड है, ये पूरा जो जोन है दिस इज कॉल्ड एज साइडवेज, ये फिर से जो है ये अप ट्रेंड है, क्लियर दिख रहा है? ये जो है वो डाउन ट्रेंड है, ये फिर से अप ट्रेंड है, छोटे छोटे, ये फिर से डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, बड़े इसमें, और पूरा ऐसे अप डाउन कर रहा है। तो इसको पूरे को हम लोग साइडवेज भी बोल सकते हैं, बार बार कोई स्टॉक्स अप डाउन कर रहे थे। सो पिक्चर क्लियर ना? अगर ये मैं, दिस इज कॉल्ड एज लाइन चार्ट, इसको क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट। क्लोजिंग बेसिस पे जो कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस था, उसको क्लोज करते करते डॉटेड को ड्रॉ करते करते ये लाइन चार्ट बना, इज दैट क्लियर? इट्स सो सिंपल। सेम एज अगर मैं यहाँ पे कोई भी आपका फेवरेट स्टॉक, लेट अस से टाटा मोटर लेता हूँ, टाटा मोटर तो सबको पता है, रतन टाटा जी की कंपनी है। इसको मैंने प्रेडिक्ट किया था एट द रेट ऑफ 70 के हिसाब से, इसको मैं वीकली में बताता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये टाटा मोटर का स्टॉक्स है, यहाँ पे देखो आपको क्लियर कट पता चलता है। ये देखो यहाँ पे ये स्टॉक 70 रुपीज पे आया था, ये 70 से, अभी 2020 की बात है, 70 से ये 500 हो गया, 500 विद इन अ नो टाइम, 22 के बीच, 2022 मतलब 2 सालों में 70 रुपए की चीज 500, 5 गुना हो गई, ठीक है? तो ये पूरा अप ट्रेंड है, बट वही चीज 600 का 70 रुपया भी आया था ना, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये पूरा अप ट्रेंड है, ये पूरा अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। तो आपको क्लियर कट पता चलता है अप ट्रेंड कहाँ पे, डाउन ट्रेंड कहाँ पे, आपको साइडवेज भी एक्शन भी पता चले। ये डेली 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन बताएगा अभी मुझे, ये कौन सा ट्रेंड है या ये कौन सा है? चलो लोगों को ये तो पता चला। तो इट्स वेरी सिंपल, बाय यूजिंग लाइन चार्ट, बाय यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द 3 ट्रेंड ऑफ द मार्केट, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज में आपको साइड में रहना है, दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज मार्केट। अप ट्रेंड में आपको बॉटम पे बाय करके अप में सेल करना है, डाउन ट्रेंड में आपको टॉप में शॉर्ट करके नीचे बाय करना है। बस ये 3 फंडे आपको समझ में आने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी अगर किसी को नहीं समझा तो और एक सिंपल लैंग्वेज में मार्केट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज हेकेनाशी कैंडल। दिस इज अ जापानीज टेक्निक, कि जापान में ये इन्वेंट हुआ था, कि जिनको मार्केट का कुछ नहीं पता, तेजी है कि मंदी है, वो जस्ट मुझे कैंडल का फॉर्मेशन देख के अगर पता लगाना है तो हम लोग हेकेनाशी से देख सकते हैं। पहले मैं कैंडल में बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल
कैंडल में होता क्या है, लेट अस से ये अप ट्रेंड है, दिख रहा है आपको, इज इट अप ट्रेंड यहां से लेके यहां तक, ये अप ट्रेंड है। बट ये अप ट्रेंड में भी अगर आप देखोगे ना तो रेड ग्रीन कैंडल आते रहता है, तो वहां पे माइंड को एक फ्लक्चुएटिंग होता है कि भाई ये रेड ग्रीन आ रहा है तो मुझे बेचना है कि खड़े रहना है कि निकल जाना है उस टाइम में। मतलब मार्केट यहाँ पे आया 426 पे, नीचे भी आया 425 तक, और फिर से वहां से 450 तक गया। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे एक हेकेनाची का भी ऑप्शन होता है, यू कैन यूज दैट हेकेनाची ऑप्शन। हेकेनाची में क्या होता है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल रन में अगर है यहाँ पे देखो, तो वो सिर्फ ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते जाता है। तो यहाँ पे बस ये एक फॉर्मेट भी काफी सिंपल है कि यहाँ पे थ्री टाइप्स के कैंडल्स होते हैं हेकेनाची में। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है विदाउट लोअर वीक, लोअर वीक मतलब दंडी नहीं है नीचे साइड में, सिर्फ अपर साइड में दंडी है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बुल रैली। रेड कैंडल विद अपर साइड में वीक नहीं रहता, लोअर साइड में वीक रहता, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग डाउन साइड रैली। और ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोजी टाइप कैंडल, दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज एक्शन, मतलब तभी साइडवेज एक्शन बनेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, तो आप एग्जिट कहाँ पे करोगे, आप एग्जिट करोगे यहाँ पे कहाँ पे, तो जब ये रेड कैंडल बना मतलब आपने बाय किया 408 पे, आपने सेल किया 428 पे, दैट्स इट। आप चाहिए तो बाद में यहाँ पे भी बाय कर, बट आपको पता चलेगा कि भाई ये तो साइडवेज एक्शन है, तो ये साइडवेज एक्शन का जब ये ब्रेकआउट हुआ ये ग्रीन कैंडल पे, यू कैन एंटर अगेन। ये छोटे छोटे रेड कैंडल है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो फॉर ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस ऑल्सो हेकेनाची कैंडल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब भी डाउन ट्रेंड होते हैं तभी ये सारे रेड 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 कैंडल बनाते, तो आपको पता चलता है कि भाई कब तक नीचे जाने वाला है, तो आपको वहां पे छूना नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी अगर बोलू, तो अगर निफ्टी देखो मतलब जब भी डाउन साइड मार्केट रहता है, तो अगर ये यहां से डाउन साइड चालू हुआ तो ये डाउन ही है पूरा, तो आप यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जिट कर लोगे, ये फिर से ये डाउन चालू हुआ तो ये यहाँ पे कहाँ पे तो आप एग्जिट करोगे, यहाँ पे एंट्री किया यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जिट करोगे, यहाँ पे एंट्री किया यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जिट करोगे। तो ये डाउनसाइड रैली आपको इजीली पता चलती है बाय यूजिंग हेकेनाची कैंडल। बट हेकेनाची कैंडल में मतलब आपने डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड है वो लेटर से लाइन चार्ट से आइडेंटिफाई कर लिया, बट ट्रेंड में कब तक रहना है, मतलब आपने एक बार ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में बैठने के बाद मुझे कब तक डेस्टिनेशन तक जाना है, वो ट्रेन का स्पीड क्या रहेगा, वो आपको हेकेनाची कैंडल से भी पता चलता है। ये एक इनसाइड हिंट दे रहा हूं मैं, तो जो ट्रेडर है ना वो पता उनको चल गया रहेगा कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी कि आप ट्रेन में एक बार बैठ गए तो कहाँ पे उतरना है, ये आपको अगर पता नहीं है तो ये हेकेनाची कैंडल आपको डिसाइड करके बता देगा कि आपको कहाँ पे उतरना है, कि ये मंदी कब तक चलेगी या ये तेजी कब तक चलेगी, ये आपको बाय यूजिंग हेकेनाची इजीली पता चल जाता है। सो इफ यू आर अ इंट्राडे प्लेयर, तो वहां पे हर एक के टाइमिंग भी होते हैं। इफ यू आर अ इंट्राडे प्लेयर तो याद रखो आपका टाइम फ्रेम जनरली 5 मिनट या 15 मिनट आप यूज करते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, यहाँ पे ये जो मैंने टाइमिंग बताया, ये जो चार्ट का टाइमिंग है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैंने पहला था ना 5 टाइप के ट्रेडर होते हैं, उस टाइप के ट्रेडर का मैं टाइमिंग, तो हर एक का टाइमिंग भी होता है, वो टाइप का ही चार्ट आपको यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्लिम ट्रिम हो और अगर आप डबल एक्सेल का टी शर्ट पहने हो तो चलेगा क्या, नहीं। तो सेम ट्रेडिंग में भी वैसे ही होता है कि आप जो तरीके के ट्रेडर हो उसी टाइप का अगर ट्रेडिंग का टाइम स्लॉट अगर आपने यूज किया तो ही आपको बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज नहीं। सो फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग जनरली हम लोग 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर फॉर 1 to 2 days देन आप आवरली या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हो, कभी कभी डेली एनालिसिस भी काम में आता है वहां पे। अगर आप लॉन्ग मतलब विद इन 1 week या 2 weeks का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आप डेली का टाइम फ्रेम यूज करते हो। अगर आप होल्डिंग रखना चाहते हो 1 month to 1 year तक का तो आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हो। अगर आपको 1 साल से 5 साल 10 साल का टाइम फ्रेम देखना है तो आप मंथली एनालिसिस देखते हो। तो अगर रिलायंस का आप मुझे बताओ कि रिलायंस का अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और अगर मैंने मंथली चार्ट अगर देखा तो मुझे
सिर्फ हेकेनाशी चार्ट देख के, अगर मैं नॉर्मल कैंडल देख रहा हूं तो देखो ना, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, ग्रीन और एक रेड दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना तो मैं क्या करूंगा, जस्ट हेकेनाशी कैंडल पे टाइप करूंगा, और जब ही वो ग्रीन होगा, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, आप मुझे बताओ अगर आपने यहाँ पे कहाँ पे तो एंट्री ली है, यहाँ पे कहाँ पे तो एंट्री ली है, तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे? ये छोटा रेड है ना, ये आप चलते रहोगे, ये रेड पे नहीं एग्जिट करोगे, ये रेड पे भी नहीं एग्जिट करोगे। मुझे ऐसा रेड चाहिए कि जहाँ पे वीक ना हो, ये इस पे भी देखो दोनों जगह पे वीक है, नहीं इसके भी ऊपर जगह पे वीक है छोटा, इधर भी वीक है, वो मतलब साइडवेज है। हम यहाँ पे कहाँ पे तो निकलेंगे ये कैंडल फॉर्म होने के बाद, खत्म। तो आपने एंट्री की 400 पे और आपने एग्जिट किया 1200 पे, सच अ बिग रैली। बस ये एक पॉसिबल कभी है हेकेनाशी से, मतलब इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, ट्रेंड में रहता है। तो अभी आप मुझे बताओ, अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है ये ग्रीन कैंडल पे, क्योंकि लोअर वीक नहीं है, आप मुझे बताओ कहाँ पे एग्जिट हो गए, यहाँ पे कोई एग्जिट होगा कि नहीं होगा? इफ नॉट देन व्हाई? जस्ट टाइम। माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिखी है तो मैं रिलायंस में यहाँ पे एग्जिट करूँ या मेरा अभी भी होल्ड रहेगा और मैं कभी निकलूंगा फिर? गुड आंसर, होल्ड। व्हाई होल्ड? क्योंकि अभी तक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल टाइप डोजी नहीं आया कि जहाँ पे दोनों भी साइड में वीक आया, ऐसे ही कैंडल आ रहा है। मुझे ऐसा कैंडल चाहिए कि जहाँ पे एक ही साइड वीक हो, वो आया नहीं, तो रिलायंस अभी भी होल्ड में रखो। मैंने, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पास है कुछ 25 या 30 शेयर्स है रिलायंस। मैंने बोला होल्ड रखो, जिस दिन ये मंथली में, अभी मुझे पूछने की जरूरत नहीं, जिस दिन मंथली में ऐसा रेड कैंडल आएगा उस टाइम एग्जिट करना, या अदरवाइज ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ट्रेंड जब तक इंडिकेटर नहीं बोलता, ये कैंडल है, जब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा तब तक होल्ड रखो। तो जो दोज आर द पोजिशनल ट्रेडर्स इन द कैश फॉर्मेशन, तो वो लोग मंथली का चार्ट देखेंगे। आपके पास जो स्टॉक्स है उस स्टॉक्स में अगर ऐसा रेड कैंडल बन गया है तो आप एग्जिट कर जाओगे, और आपको वो स्टॉक्स में रहना ही है। तो जिस दिन उसका ग्रीन कैंडल बनेगा उस टाइम में आप एंट्री करोगे। इट्स सो सिंपल। इज इट इंटरेस्टिंग फॉर्मेट जो मैं आज बता रहा हूँ? एक लाइन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था आईएक्स में क्या करना है, तो आईएक्स में मुझे बताओ, आप लोग ही मुझे बताओगे, किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली है, ये देखो 50 रुपए का स्टॉक 2020 में, अभी की बात है, कहाँ तक गया था? 300 रुपए तक गया था। अगर इधर किसी ने एंट्री की है, वो एग्जिट कहाँ पे करेगा, कौन से कैंडल पे करेगा? यहाँ पे ना, ये कैंडल पे। तो अभी भी कोई होल्ड रख रहा है तो वो स्मार्ट है कि मूर्ख है, कौन बताएगा मुझे? आईएक्स होल्ड रखना है कि एग्जिट है, कौन बताएगा? मूरा, गुड, एग्जिट रॉन्ग है, ये इसने रॉन्ग एंट्री ली है, एग्जिट खत्म। ही इज नॉट स्मार्ट एट ऑल, क्योंकि उसको यहाँ पे ही निकलना चाहिए था। इज दैट क्लियर? अभी किस कौन सा स्टॉक बोला? ट्रेंड। और एक दो ही स्टॉक देखेंगे तो आपको पता आइडिया आ जाएगा कि भाई रखना है कि नहीं करना है। नहीं, कौन सा बोला? हैप्पीएस्ट माइंड ना। अभी ये भी देखो, ये स्टॉक आईपीओ में यहाँ पे 200 पे मिल रहा था, 2021 की बात है, 200 का स्टॉक 1600 हो गया, 8 गुना पैसा मिला। तो ये कभी निकलना चाहिए था इसमें से, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है तो कभी निकलना चाहिए था, इधर इधर भी चल जाता था, बट ये कैंडल पे तो निकलना ही जाना, मतलब 1200 पे तो आपको निकलना ही जाना था, 1100 1200 में। अभी भी अगर कोई होल्ड रख के बैठा है तो वो मूर्ख है, या कोई है, अगर यहाँ पे कोई आपको बोलता है, अगर किसी ने कल टीवी चैनल पे कोई आया और बोला कि अरे हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्ट करो, ये काफी अच्छा स्टॉक है, आप करोगे क्या इन्वेस्ट? आप इन्वेस्ट करोगे इसमें? आई वॉन्ट योर आंसर।
आप कभी इन्वेस्ट करोगे? आप स्मार्ट कभी बनोगे? ये सबने मुझे आंसर दिया नो, हम लोग नहीं इन्वेस्ट करेंगे। बट आपको अगर इन्वेस्ट करना ही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल लो, तो आप कभी इन्वेस्ट करोगे हैप्पीएस्ट माइंड में? शाबाश, व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विदाउट वीक अगर वहां पे हुआ तभी तभी हम लोग एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बस दिस इज द बेसिक कॉमन सेंस, लोग यहाँ पे भूल जाते और लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो जिस दिन ये स्टॉक काफी अच्छा है, बट जिस दिन ये रेड कैंडल से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगा विदाउट वीक, यहाँ पे वीक नहीं रहेगा, तभी एंट्री करो, ये स्टॉक फिर से 1600 चला जाएगा। इज दैट क्लियर? इट्स सो सिंपल लॉजिक। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक, अगर आप आज आए हो तो ये एक स्टॉक्स लेके ही जाओगे, एचबीएल पावर, गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या किया इसने इतने साल का, इसको मैं लाइन चार्ट में लेके आऊ तो आपको, पहले बात तो ये मंथली में ग्रीन है, और इसको अगर लाइन चार्ट में लेके आऊ तो आपको पता चलेगा कि भाई इसने अब भी ब्रेकआउट दिया है जस्ट 73 पे, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया था ये 73 पे। ये स्टॉक्स 500 जाने के लिए भी रेडी है, वहां तक भी जा सकता एचबीएल है। राउंडिंग पावर एचबीएल पावर, ठीक है, इट्स अ गुड स्टॉक एक्चुअली। आप इसको अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भाई एक ब्रेकआउट है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, और मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी बोला था, और रिटेस्ट करने आया, और कैंडल फॉर्मेशन भी अच्छा है। अभी किसी को अगर लेना है तो 100 के ऊपर, अच्छा भाई 100 के ऊपर जाने दो, अभी इसको फिर से अभी बाय कर सकते हैं एचबीएल पावर, या और वेट करना है तो 75 76 पे बाय, इसका फाइनल स्टॉप लॉस 70 है, 70 रुपीज, दिस इज योर स्टॉप लॉस, 68 रुपीज का स्टॉप लॉस है मेरा। कहाँ पे लेना है आप डिसाइड करो, आपको 80 पे लेना है, 75 पे लेना है, 100 पे लेना है, किधर भी ले हो, ये ब्रेकआउट हो चुका है, यू कैन टेक अ एंट्री एट एनी टाइम। मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाटा पावर है, दोनों सेम कैटेगरी के, दोनों सेम कैटेगरी में भागेंगे, मेरे पास एक ऑलरेडी है, इसके लिए मैंने एचबीएल नहीं लिया। आपको जो भी कुछ है वो गुड स्टॉक्स पे ऑलवेज इन्वेस्ट करना है, कि जो अच्छा स्टॉक्स रहेगा उस पे आपको ऑलवेज इन्वेस्ट करना है। जो गुड स्टॉक रहेगा वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो अप ट्रेंड में रहेगा वो अच्छा स्टॉक्स रहता है, जो डाउन ट्रेंड में है वो इतना अच्छा स्टॉक्स नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्टॉक्स अगर कोई अप ट्रेंड में है, ऐसा एचडीएफसी बैंक अगर है, उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको ऑलवेज प्रॉफिट रहेगा। और आइडिया जो है, अभी हमने देखा दो टाइप के स्टॉक्स दिए मैंने, एक आइडिया दिया जो अभी 10 रुपए पे चल रहा है, और जो अगर एचडीएफसी दिया जो मैं 1500 पे चल रहा है, लोग क्या करते, सोचते कि मेरे पास 1500 रुपए है तो इसके मैं 150 स्टॉक्स ले लेता हूँ, तो मेरे पास बेनिफिट है ना, नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा आएंगे, और इसका मेरे पास तो एक ही स्टॉक आएगा तो ये तो चल जाएगा। अरे बट भाई ये 1500 का 3000 हो सकता है, बट ये 150 का 5 भी हो सकता है, या 10 का 150 या 100 रुपए नहीं होगा, इतना पोटेंशियल है, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है ना। तो आपको किस पे पैसा लगाना है वो भी आपको पता होना चाहिए, आपको घोड़े पे पैसा लगाना है कि गधे पे पैसा लगाना है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने दो स्टॉक्स बताए आपको, एचडीएफसी बैंक बताया, उसका मंथली चार्ट बताता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ भी होने दो, लेट अस से अभी अभी इन्वेस्ट करोगे क्या आप एचडीएफसी बैंक पे? मुझे बताओ, एचडीएफसी बैंक पे इन्वेस्ट करोगे अभी? क्यों नहीं करोगे? वीक है सर, बट ये घोड़ा स्टॉक है कि गधा स्टॉक है, उतना तो बता सकते हो मुझे, इज इट घोड़ा स्टॉक्स और गधा स्टॉक? इट्स अ घोड़ा ना, लॉन्ग टर्म घोड़ा है। देखो यहाँ पे ये 2004 से 10 50 रुपए का स्टॉक्स 1600 रुपया आ गया, इसमें दो तीन बार ये स्प्लिट हो चुका है, मतलब एक्चुअल प्राइस इसका 5000 रुपए है प्लस, मतलब जो जर्नी मेरी 200 से स्टार्ट हो गई थी वो 5000 तक चली गई। तो ये घोड़ा स्टॉक्स है, गधा स्टॉक्स नहीं है, कोई तो मुझे बोला गधा स्टॉक्स है, ठीक है। बट अगर आप आइडिया देखोगे,
तो ये घोड़ा स्टॉक है कि गधा स्टॉक है? ये 1 रुपए तक भी आ गया था, 1 रुपीज। कितने रुपए का स्टॉक्स? 120 रुपए का स्टॉक्स, वोडाफोन। अभी सब बोलते अरे वोडाफोन फंडामेंटल, अरे फालतू कंपनी है, फंडामेंटल भी डेप्थ में है ये कंपनी, ठीक है? और इसका स्टॉक 9 रुपए में, लोग अभी भी ले रहे हैं इसको, इसको यस बैंक में। मतलब ये गधे स्टॉक्स है। आप जो बढ़ रहे हैं ना, मतलब आपको अगर मैंने बताया कि विराट कोहली पे पैसा लगाना है या कोई तो एक थर्ड क्लास प्लेयर है उसके ऊपर पैसा लगाना है, आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो आप किसके ऊपर पैसा लगाओगे? विराट कोहली पे लगाओगे कि जो थर्ड क्लास बैट्समैन है उसके ऊपर पैसा लगाओगे? कॉमन सेंस, आप विराट कोहली को ही हायर करोगे ना, ठीक है 2 पैसे ज्यादा जा रहे हैं बट क्या वो परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा? तो वैसे ही है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और वॉरेन बफेट जी की एक बात हमेशा याद रखो कि आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो गिरते हुए बाजार में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और बढ़ते हुए बाजार में तो प्रॉफिट बुक किया जाता है। हम लोग उल्टा करते हैं, जो ऑर्डिनरी ट्रेडर है ना वो लॉन्ग टर्म तभी करता है जब भी मार्केट बहुत बड़ा रहता है ना, यहाँ पे पीक पे जाके हम लोग बाय करते हैं। करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट गिर रहा है, तो नाउ अडेज मार्केट गिर रहा है ऐसे सुन रहे हो आप, तभी आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट मैं बताऊँ, पेटीएम का बताऊँ, पेटीएम का आईपीओ भी आया था, बहुत जन ने इन्वेस्टमेंट किया। वन मंथ का नहीं ले रहा हूं मैं, लेटेस्ट से मैं वीकली का लेता हूँ। क्या दिख रहा है आपको ये? अभी ये गधा है कि घोड़ा है कौन बताएगा? जिस टाइम ये लिस्ट हुआ उस दिन से, अगर आप इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे हेकेनाशी का, 2000 उसका हाई प्राइस था और ये अभी 500 पे आ गए। नहीं भाई, ये डेड इन्वेस्टमेंट है। बट अभी अगर आपको किसी को अगर करना है, तो ये अगर रेंज ब्रेकआउट होता है, ये रेंज के बाहर अगर निकलता है, ऐसे ब्रेकआउट जाता है, तो भाई मतलब किसी ने जो 2000 पे बाय किया, ऐसे बहुत जन है मेरे क्लाइंट्स भी जिनको मैं मतलब बोला था भाई मत करो पेटीएम, काफी हाई वैल्यूएशन है, वो अभी भी होल्ड करके रखे। कभी निकलना चाहिए था, लेटेस्ट से आपको लग गया है, आपको कभी निकलना चाहिए था। कौन से कैंडल पे? कैंडल नंबर बताइए मुझे ऊपर से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ऐसे कौन से कैंडल पे निकलना चाहिए था? कौन बताएगा मुझे? अगर आपके पास लगा भी है आपको आईपीओ, तो आपको इतना भी बेसिक नॉलेज, तो ये आज का लेक्चर उसके लिए कि आपको एटलीस्ट इतना बेसिक भी पता चल गया ना, तो भी आपको पता चल जाएगा। कॉमन सेंस है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल पे भी नहीं निकलो, थर्ड नहीं, फोर्थ जब भी जिस दिन बनेगा, जो मंथ में बनेगा, वीक में, उस टाइम में निकल जाऊंगा, फोर्थ कैंडल पे मैं निकल जाऊंगा। मतलब फोर्थ कैंडल के बाद जो भी फिफ्थ बन रहा है, फिफ्थ का दिन जो भी चालू होगा तभी मैं निकलूंगा। तभी भी निकलते हैं तभी भी आपको पता चलता कि भाई मुझे 1800 पे निकलना है, तो भी लोग येड़े के जैसे, अगर ये वेबिनार तभी होता तो लोग रुकते नहीं, निकल जाते। अभी किसी का LIC में भी पैसा अटका हुआ है, बहुत जन ऐसे रहेंगे जिनका LIC में पैसा अटका हुआ है, तो जस्ट मैं LIC का लेता हूँ, तो मुझे जस्ट बताइए कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में अभी निकलना है कि रुकना है? ये LIC हाउसिंग फाइनेंस है, सॉरी मैंने, ये LIC IPO मुझे लेना है। और जिसको LIC का IPO लगा था उसको कभी निकलना चाहिए था? फ्रैंकली मुझे बताओ, कभी निकलना चाहिए था जिनको LIC IPO लगा? लेटेस्ट से लिस्ट भी हुआ, जिस दिन लिस्ट हुआ उसका उस दिन उसको प्राइस भी मिल गया था, कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया था, बट कभी निकलना चाहिए था? लोग अभी भी होल्ड करके रखे हैं, 700 पे आ गया, 950 पे कुछ लिया था लिस्टिंग, कभी निकलना चाहिए था यहाँ पे कहाँ पे? तो ये कैंडल के बाद तो निकल जाना चाहिए था आपको, मतलब यहाँ पे कुछ लॉस नहीं तो एटलीस्ट 850 पे निकल जाते, बट स्टिल लोगों ने होल्ड रखा है। ऐसे कितने जने जिन्होंने अभी भी होल्ड रखा है? ट्रस्ट मी, मतलब फ्रैंकली मुझे बताइए कि आपने होल्ड रखा है, जिगरा चाहिए वो बताने के लिए कि मैंने होल्ड रखा है करके, बताइए कौन है, किसने होल्ड रखा है अभी भी, जिनको लगा है पेटीएम और LIC का IPO लगा और अभी भी होल्ड रखा है, ऐसे कितने जने है? कोई तो रहेगा जो अभी बोल नहीं रहा, बट कोई तो रहेगा।
बट उसका निकलने का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे निकलना है, कभी निकलना है, वो सब मैंने बता दिया। अश्विनी, अश्विन, ओके। मैंने 870 में सोल्ड किया, गुड, राइट टाइम एग्जिट करने का, गुड अश्विन कदम। बट अभी आपको अगले टाइम से अगर कोई आईपीओ लगा तो आपको देखना है, और कोई आईपीओ ऐसा भी रहेगा जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का था, लगा तो वो फटाक से बेचना भी नहीं है जब तक तो वो ग्रीन कैंडल चल रहा है वीकली का, एटलीस्ट वीकली का, नया आईपीओ वीकली का, तब तक बने रहना। दैट्स इट, ये की पॉइंट था आज के वेबिनार का। तो आपको करना क्या है आज जाके, मतलब अभी तो बाकी है आगे का, बट एक बार मैं होमवर्क सेशन आपको बता, तो आपको करना क्या है, ऐसे स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करना है। अभी आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए जाना कहाँ पे, तो कहीं जो अभी नए स्टूडेंट को बोले मुझे स्टॉक्स पता कैसे चलेगा, कौन से स्टॉक लिस्टेड है, कौन से नहीं, कौन से अच्छे स्टॉक्स है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके गूगल में जाके एनएससी इंडिया टाइप करना है। दिख रहा है, एनएससी इंडिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनएससी का, इंडिया का, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में एनएससी में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है उनका पूरा A to Z, फंडामेंटल से लेके टेक्निकल तक सारे जो भी कुछ है, वो जो भी कुछ है ये वेबसाइट पे दिया जाता है, सब कुछ जो भी कुछ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेफरल वीडियोस भी रहते हैं एनएससी के टाइप से। ये वेबसाइट को जाके आपको छान मार, मैं भी खुद बोलूँ कि ये वेबसाइट को अभी भी मैंने पूरा, ये जो नया वेबसाइट निकला है अभी 2 साल पहले ही निकला है, ठीक है, अभी तक पूरा हुआ नहीं है इसका काम। ठीक है, तो अब जाके ये सब सारे जो भी कुछ कंपनीज है, कौन से है, वो सब आपको देखना है। मार्केट डेटा में जाके आप देख सकते हो कि प्री ओपन मार्केट में क्या होता है, मतलब ये मार्केट डेटा है प्री ओपन मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया कि 9 to 9/7 प्री ओपन मार्केट होता है, तो अगर आप प्री ओपन में क्लिक करोगे ना, तो उस दिन प्री ओपन में क्या क्या चल रहा है, जनरली कौन से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कौन से स्टॉक गिर रहे हैं, ये जनरली मैं मॉर्निंग में देखता हूँ। या ये आप भी देखोगे ये पूरा, तो इसमें कैटेगरी है निफ्टी 50 की, तो बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या होता है ये मैं बताना भूल गया, बैंक निफ्टी मतलब टॉप मोस्ट जो 12 बैंक्स है उनका जो कंपोनेंट है, उसका जो इंडेक्स होता है। टॉप मोस्ट बैंक्स मतलब HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI है, AU बैंक है, ये सारे जो बैंक है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, ये सारे बैंक का इंडेक्स मतलब कौन है, निफ्टी बैंक है। आपको पता नहीं रहेगा तो मैं बता दूं, सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड में, बोलो इन द वर्ल्ड, किसी सेगमेंट में अगर, पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर होता है, वो होता है बैंक निफ्टी के ऑप्शन में। एंटायर वर्ल्ड में कोई ऑप्शन सीरीज में अगर ट्रेडिंग होता है तो वो बैंक निफ्टी ऑप्शन में होता है। हाईली ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड में बोलो, तो बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट आ जाएगा। सिक्योरिटीज, FNO में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो है, FNO में कौन से स्टॉक्स है, वो सब आ जाते हैं। तो आपको इन शॉर्ट सारे स्टॉक्स के नाम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स के नाम यहाँ पे आ जाते हैं कि आज का परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पे 52 वीक का क्या था, पूरा वैल्यू क्या था, वो सब यहाँ पे आपको छान मारना है। यहाँ पे मार्केट डेटा में जाके सारे इक्विटी एंड SME मार्केट, अगर मैंने इक्विटी एंड SME मार्केट पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे इक्विटी के स्टॉक्स आ जाएंगे आपको, जिनको देखने नहीं मिल रहा कि स्टॉक्स कौन से है वो, तो यहाँ पे कैटेगरी है, कहाँ पे जाना है, मार्केट में डेटा में जाना है, इक्विटी एंड SME मार्केट में जाना है, कहाँ पे NSE स्टॉक है, तो निफ्टी 50 में कौन से कंपनीज है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। निफ्टी 50 में जो जो कंपनीज है वो, ये मतलब सब टॉप वाले कंपनीज है। तो आप कहाँ 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 पे देखोगे, फिर आपको अगर करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे निफ्टी 50 है, फिर अगर आप आगे जाओगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 50 वाले स्टॉक, फिर निफ्टी मिड कैप 100, फिर 150, सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। स्मॉल कैप है, निफ्टी 500 मल्टी कैप है, लार्ज कैप वाले है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, या सेक्टर वाइज भी आपको मिल जाएगा। इतने सारे सेक्टर्स है कि ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है, तो निफ्टी ऑटो किया तो ऑटो सेक्टर में जितने स्टॉक्स है वो सारे आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? बाद में आपको अगर फार्मा चाहिए तो फार्मा आ जाएगा, IT चाहिए तो IT आ जाएगा, मीडिया है तो मीडिया आ जाएगा, लाइक दैट वे में आप देख सकते हो। हर एक का इंडेक्स भी यहाँ पे होता है, ये इंडेक्स इंडिकेटर, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो डालोगे ना, निफ्टी ऑटो, तो ऑटो का ग्राफ आ जाएगा, निफ्टी बैंक का आ जाएगा, निफ्टी IT का आ जाएगा, निफ्टी मेटल। अभी इनमें निफ्टी IT अगर डालूं तो
और मैं यहाँ पे वीकली करूँ, जस्ट आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो आप मुझे बताओ ये डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है आईटी। अब ये डाउन ट्रेंड में है, आपको नहीं समझा तो आप हेकेनशी कैंडल यूज करो। तो आईटी में आपको पैसा डालना है क्या? अभी नहीं डालना है, क्योंकि ये रेड कैंडल है। जिस टाइम ये ग्रीन कैंडल हो जाएगा तभी जरूर डालिए आईटी में पैसा। इज दैट विल क्रिएट अ एक्स्ट्रा बूम फॉर यू। तो ये मैंने बताया कि आपको स्टॉक्स कहाँ पे फाइंड आउट करना। मैंने बोला आपको डेली 100+ चार्ट देखने नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक में हम लोग और थोड़ा बेसिक इसका और एडवांस देखेंगे, बेसिक पार्ट टू के पास हम लोग जाएंगे तभी। तो उस टाइम तक आपको यहाँ पे जाके और यहाँ पे 500+ स्टॉक्स को यहाँ पे आपको देखना है डेली जाके क्या क्या कर रहा है हर एक का, किसका हेकेनशी कैंडल ग्रीन है, किसका रेड है, वीकली में, मंथली में, डेली में क्या कर रहा है। आप चाहिए तो यू कैन मेंटेन द एक्सेल शीट ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो हेल्प आउट कि क्या करना। तो डेली, वीकली, मंथली क्या क्या कर रहा है, तो दैट इज मल्टी टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे कमिंग प्रो बैच में। इज दैट क्लियर? तो जो पुराने मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स है, दोज आर इंटरेस्टेड टू रिपीट द प्रो बैच, तो सबको पता है यू कैन बाय पेइंग ओनली 10,000 आप इनिशियली पूरा प्रो बैच इजिली रिपीट कर सकते हो। दैट इज वर्थ कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 to 4 months आप फिर से मेरे सवास में रहते हो, आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग पूछ सकते हो, जो भी कुछ है वो एक्स वाई जेड सब कुछ होता है। और हर एक लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड नहीं होता, वो हम लोग लाइव में देखते हैं। तो दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द प्रो बैच, यू स्टिल हैव 1 week, क्योंकि और 1 week में हम लोग पूरा बेसिक ही लेने वाले हैं, एंड देन वी कैन एक्चुअली स्टार्ट अवर प्रो बैच, क्योंकि ये एक्चुअली सब होमवर्क होना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।